नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तो जैसा कि हमारा बिकाऊ मीडिया आजकल लगा हुआ है केरल की बाढ़ को दिखाने में, वहां के गौमांस भक्षक लोगों की यातनाएं। मैं भी एक जैन मुनि को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, तो जो आपदा उन पर आनी थी वो तो आनी ही थी क्योंकि वो गौमांस भक्षण ही इतना ज़्यादा करते हैं। खैर, इन सब को छोड़ देते हैं और आते हैं उस बात के ऊपर जिस बात को कहीं एक गहरे कचरा पेटी में डाल दिया है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने। इमाम बरकाती पश्चिम बंगाल से है और अपने बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ भाषणों के लिए मशहूर है, अपने बहुत ज़्यादा हिंदुओं के प्रति, खास तौर पर RSS, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भगवा आतंकवाद, कहने से तो खैर पीछे नहीं हटता है, इन सब के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलने में मशहूर है। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन उसका सामने आया है, पहले तो आपको स्टिंग ऑपरेशन खुद ही देख लीजिए। ये जो पूरा आपने जो कहा था उस टाइम के मुसलमान कभी वोट नहीं करेंगे दूसरे पार्टी को, ये भी आपसे कहलवाया गया था? सब पॉलिटिकली हुई है बात, ये बनाया गया, यहाँ आगे बैठा है टीम आसमान जमीन, सबको हम बचाया है, हम एकदम, एक जो सख्त बोलता है ना वो आदमी का दिल साफ रहता है। कि मैं कौन आया था, सभी आते सब तो यही मर रहा था, और कहाँ पर तस्वीर देखो ना, बहुत है, है सब कहाँ मरता था, फ्रंट पे तो हम हैं और हर जगह हम हैं। BJP के पास माल पानी बहुत है, सब रुपया पिया लाए, फकीरों को दें, खिलाया जाएगा, गरीबों को बांट देंगे, हम सब मीडिया को देंगे, जितना मीडिया खाएगा उतना हमारा खाएगा। तो आपका आपका थोड़ा आपका शर्त रहेगा BJP के पास? बहुत शर्त रहेगा, शर्त नहीं रहेगा तो होगा कैसे? लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे रैली निकाला जा सकता है पैसा देके? हम तो निकाल देंगे अगर आ रहे BJP करेगी तो, माल दे ना, हमको नहीं चाहिए रुपया दे, हम तो खुल के बोल रहे हैं जमा हो जाएंगे मुसलमान। कितने लोग आ पाएंगे फिर? अरे कम से कम 4-5 लाख आदमी तो कहीं नहीं जाएगा भाई। अरे ये 4-5 लोग जो लाख जो आएंगे, पैसा वैसा आप मैनेज करवा देंगे, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, कैसे नहीं, वोट से हिल जाएगी गवर्नमेंट, वोट में कन्वर्ट नहीं होगा कैसे? आप एकदम स्ट्रांग है, आप करवा देंगे वो? पैसा तो नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स कैसे होगा, कैसे पॉलिटिक्स होता है? जो आदमी निकलेगा उसको लेबर को खर्च देना पड़ेगा ना भाई। पैसा लेके तो आ रहा है सर, पैसा लेके आ रहा है, अरे अच्छा बहुत खुशी है, पैसा तो लक्ष्मी है, सबसे बड़ा इमाम माया इमाम, माया इमाम होगा बुखारी भी आ जाएगा, माया इमाम होगा बरगती भी आ जाएगा। And my biggest concern in this entire investigation that I've done is one line where he said that Musalman to bhuke nange hai, unko khilayenge, wo vote dalenge. अब ये स्टिंग ऑपरेशन जो आप लोगों ने देखा है, इसको देखने के बाद में हमारा मुसलमान जो तबका है जो ऐसे ऐसे इमामों को सर माथे पर रखता है, उसने क्या कहा है कि इमाम बरकाती ही नहीं, जो इमाम है दिल्ली का वो भी पैसे के आगे नाचता है, मुसलमान जो है वो भूखा नंगा है, वो क्या है, फटेहाल है, फटीचर है, जाहिल है। और भी बहुत सारी बातें कही हैं जो न्यूज़ में नहीं दिखाई गई, जो बाद में रिपोर्टर ने बताई और फिर जो बाद में रिपोर्टिंग में सामने आई। अब ये इमाम जिसके ऊपर ये हिंदुस्तान का दोगला मुसलमान मुंह धोए हुए बैठा है और वो कह रहा है कि हमारे इमाम हमको बचाएंगे, हमारे इमाम जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है, और ये बात कोई मना ना करे कि हम इमाम को कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो इमाम होते हैं ये खलीफाओं के स्थान पर बिठाए गए थे। खलीफाई को जब वर्ल्ड में ख़त्म कर दिया गया तो उस समय इन्होंने कहा कि एक खलीफा ख़त्म करोगे तो क्या हम हजारों इमाम पैदा कर देंगे, और आज हिंदुस्तान में ही हजारों लाखों इमाम भरे पड़े हैं, हर गली कूचे में एक इमाम है, और वो हर इमाम जो है वो इन बड़े बड़े इमामों को फॉलो करता है। इमाम बरकती को आप थोड़ा बहुत ना समझें, इसके पास में हर एक वो बत्ती की गाड़ी रहती है जो सरकार के पास में होती है पश्चिम बंगाल के अंदर, लाल बत्ती हो चाहे नीली बत्ती हो, और हरी बत्ती होगी तो वो भी इसके पास में होगी। इस व्यक्ति ने यदि ये बात कही है, मुसलमान मोदी की रैली में आएगा,
4-5 लाख लोग भी आएंगे, तुम पैसा फेंको, यानी कि पैसा फेंक और मुसलमानों का तमाशा देख। उसने पूछा कि वोट में कन्वर्ट होगा, तो उसने कहा कि वोट में भी कन्वर्ट होगा, क्यों नहीं होगा, तुम पैसा दो। पश्चिम बंगाल में हो या भारत में कहीं पर भी हो, अब की बार पूरा पैसे का खेल चलने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि नोटबंदी में कोई फ़ायदा नहीं उन लोगों को हुआ है, वो भी इस बात को समझें। और एक वीडियो आया था, वो शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है, 500 रुपये मुस्लिम महिलाओं को बांट रहे हैं, अंदर हमारे नेताजी बोल रहे हैं और भीड़ अंदर जा रही है। ये भीड़ जो है कन्वर्ट होती है वोट्स में भी। अब इस बात को समझने की कोशिश करें, वो लोग जो लोग कह रहे हैं कि इस सरकार ने हमारे धर्म की, हमारे संप्रदाय की, हमारे मत की, हमारे हित की रक्षा नहीं की, वो ये पहले बताएं कि जो सरकार बुलाना चाहते हैं क्या वो इनके हित की रक्षा करेगी। इमाम बरकती ने आज मुसलमानों की तो पोल खोल ही दी है, अभी देखते हैं कि कौन कौन इनकी क्या क्या पोल खोलता है। इसी तरीके से जितनी भी छुपी हुई खबरें हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।